तो भाई लियूश यादव को जो बिग बॉस में थे, बिग बॉस के टाइम में उन्हें वोटिंग की जा रही थी, इतना हेट नहीं मिल रहा था जितना बाहर आने के बाद हेट मिल रहा है। और डायरेक्ट बायकॉट लियूश यादव के नाम से कुछ इस तरह से स्टोरी वगैरह चल रही, जो कि आप सबको ना एड स्टोरी करके आती है, मतलब खुल्ला खुल्ला चल रही है और डायरेक्ट लियूश यादव का बायकॉट किया जा रहा है। और ट्विटर पे एक वीडियो भी आ रहा है जहाँ पर लियूश यादव किस तरह से बायकॉट किया जा रहा है, मतलब स्टोरी भी लगाई जा रही, जो कि आपको साइड में कुछ स्क्रीनशॉट भी दिख रहे होंगे। लेकिन आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए किस तरह से उनका बायकॉट किया जा रहा है। तो जैसा कि आपने वीडियो देखी लगा, लेकिन ऐसे में आप सभी सोच रहे हो कि आखिर लियूश यादव को इतना हेट क्यों मिल रहा, मतलब जब बिग बॉस में खेल रहे थे, जब उनके लिए लोग पब्लिक वोट कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, सब उन्हें वोट किया, उनको जिताया, ट्रॉफी उनके हाथ में दिलाई, लेकिन उसके बाद उनको हेट क्यों मिल रहा। तो आपको सबसे पहले बता दूं, आज लियूश यादव सबसे ज्यादा वायरल चल रहे हैं। आप किधर भी देखिए, कोई भी न्यूज़ में देखिए, आप सभी को लियूश यादव की न्यूज़ देखने को मिलेंगी। और ऐसे में आप बता दूं, उनके ऐसे कुछ वीडियो आ रहा है जहां पर इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में ऐसी कुछ बातें बोलते हुए नजर आ रहे जो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब कहीं ना कहीं पुक करते हुए नजर आ रहे। ऐसे कई सारे उनके वीडियो जहां पर बहुत बार मुसलमानों के बारे में और इस्लाम के बारे में उन्हें बोला है। तो वहां के जितने भी हमारे भाईजान हैं, जितने भी हमारी ये अच्छी कौम है, मतलब ये लोग भड़क गए, इन्होंने हिंदूज को काटना शुरू कर दिया और इन्होंने बता दिया कि भाई ये लोग जैसे 500 साल पहले थे वैसे ये आज भी हैं, मतलब इनमें कोई भी अंतर नहीं आया, ये पहले भी लुटेरे थे आज भी लुटेरे हैं, इन्होंने हिंदूज को इस्लामिक टेररिज्म को इस्लामिक टेररिज्म नहीं क्या करा, मिलिटेंट थे। जो जैसी तालीम दी जाती है ना बचपन से कि भाई तुम्हें ये करना, बड़े होके तुम्हें जन्नत नसीब होगी, ये होगी वो होगी, जन्नत का तो वो बना दिया, जंकी आर्ट बना दिया, ग्रेवी आर्ट बना दिया एक तरीके से। तो मैं कहा कि जन्नत रहेगी यार, फिर क्या, हमें तो जन्नत जाएंगे, इन्हें मार के जन्नत जाएंगे, आ जाओ, मैं कह रहा हूँ मेरे दोहराओ, जन्नत चाहिए तो मैं आओ, हम देंगे जन्नत। तो ये सारे वीडियो मुसलमानों को पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत बोला था इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, तो कई सारों को पसंद नहीं आ रहे। तो कुछ लोग स्टोरी चला रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं कुछ इस तरह से, अपने अपनी स्टोरी में, मतलब इस तरह से ऐड स्टोरी कर रहे हैं और कई सारे इस पर मतलब ऐड करके इनका बायकॉट कर रहे हैं। अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा, आप ट्विटर पे भी देख सकते हैं जाकर। तो ऐसे में आप बता दूं, अभी सोशल मीडिया पर जम के बायकॉट हो रहा है लियूश यादव का। लेकिन ऐसे में आप मुझे कमेंट करके बताइए, जो भी लियूश यादव ने इस्लाम के बारे में बोला था, अगर आपने देखा हो तो सही बोला था, गलत बोला था, और ये सारी जो भी हो रही है अब होना चाहिए था, मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ इस वीडियो को जितना सके उतना शेयर करें, उतना फैलाइए, ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि लियूश यादव के साथ अब क्या क्या हो रहा है, किस तरह से उनका बायकॉट हो रहा है। जरूर शेयर करें, जरूर फैलाइए।